गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को चैप्टर 5 सर्वनाम पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सर्वनाम, सर्वनाम को हम लोग अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है। मैं आप लोगों को बता दूं क्या है। सर्वनाम दो शब्दों से बनी हुई है, सर्व और नाम। यानी सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है नाम वाले शब्द। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब हम आज आप लोगों को मैं बताऊंगा सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के प्रकार। आपकी इस बुक में सर्वनाम के प्रकार नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको टच कराऊंगा, नाम बता भी दूंगा। ठीक है बच्चों, इस चित्र को आप लोग देख रहे हैं, इस चित्र को आप लोग देख रहे हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में बच्चे खिलौने खरीद रहे हैं, वे आपस में बातचीत करते हुए नाम की जगह अन्य शब्द, जैसे वे सब कुछ खरीद रहे हैं, वे सब कुछ खरीद रहे हैं, देखो वह कितना सुंदर है, तुम भी यह फुटबॉल ले लो, हाँ मैंने ये खिलौना खरीदा है। बातचीत करते हुए नाम की जगह अन्य शब्द, वह, वे, सब, मैंने, यह, तुम का प्रयोग कर रहे हैं, इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा। अब हम बात करेंगे आपको सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द, जो अपने लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जब हम लोग बातचीत करते हैं तो अपने लिए प्रयोग करते हैं। क्या क्या प्रयोग करते हैं? मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। अब मैं दूसरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द, क्या? दूसरों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। दूसरों के लिए हम लोग क्या क्या प्रयोग करते हैं? वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका, वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका। किसी के नज़दीक होने पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द, नज़दीक होने पर, नज़दीक होने पर, यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका, यह, इसे, इसका, ये, इन्हें, इनका। छोटे व अपने बराबर वालों के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम शब्द, छोटे यानी छोटों के लिए हम लोग उपयोग करते हैं और अपने बराबर वालों के लिए भी उपयोग करते हैं। क्या क्या उपयोग करते हैं? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। अपने से बड़ों के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम शब्द, अपने से बड़ों के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम शब्द। बड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? आप, अपने, आपको, आप, अपने, आपको। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से अध्ययन करनी है घर पर। अपने से बड़ों के लिए आप का प्रयोग करते हैं, अपने से छोटों के लिए तुम का प्रयोग करते हैं, पास की वस्तु या व्यक्ति के लिए यह का प्रयोग, दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए वह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक से अधिक लेकिन पास की वस्तु या एक से अधिक लेकिन दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए वे का प्रयोग करते हैं, एक से अधिक लेकिन पास की वस्तु या व्यक्ति के लिए ये का प्रयोग करते हैं।
तो ये आप लोगों को अध्ययन करना है, ठीक है। दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अपने से बड़ों के लिए किन किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है? आप, अपने, आपको, मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को। दिए गए वाक्यों में सर्वनामों को रेखांकित कीजिए। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, यहाँ सर्वनाम क्या है? मेरा, मुझे खेलना अच्छा लगता है, मुझे, तुम कल कहाँ गए थे, तुम, हमने अपना काम पूरा कर लिया, हमने अपना, उनके पास दो गाड़ियाँ हैं, उनके। आप इस सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर सकते हैं घर पर भी। निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पांच शब्द दिया गया है, हमारा, उसे, आप, वे, तुम। इसमें से आप लोग अपने हिसाब से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। मैं फिर भी बता दूं, हमारा, यह हमारा स्कूल है, उसे मत मारो, आप, चाचा जी आप कैसे हैं, वे बाज़ार जा रही है, तुम इस पुस्तक को पढ़कर आना। नंबर 4, कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यह डैश घर है, यहाँ क्या सर्वनाम होना चाहिए? मेरा। यहाँ ऑप्शन में भी दिया गया है मेरा। आप कहाँ रहते हैं, सर्वनाम क्या होना चाहिए? आप डैश मित्र बीमार है, उसका, उसे, सही होना चाहिए, उसका, मित्र बीमार है, वह डैश काम कर रहा है, वह डैश काम कर रहा है। सर्वनाम शब्द यहाँ सही क्या होना चाहिए? तुम्हारा। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब आप लोगों को 5 और 6 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग होमवर्क बनाएंगे घर पर और अपने उत्तर पुस्तिका में साफ सुथरा लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।